हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो ये मेरे घर के पीछे ऑरेंज और लेमन ट्रीज़ हैं, तो ये आप देख सकते हैं इतने बड़े लेमन्स हैं मेरे घर के पीछे। और इसी के जस्ट पीछे एक ऑरेंज ट्री भी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा लेमन्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए कि कैसे लेमन्स हो रहे हैं और कितने ज़्यादा लेमन्स हो रहे हैं। मैं अपने नेबर्स और अपने कलीग्स में लेमन बाँट भी रहा हूँ, बट फिर भी इतने सारे लेमन्स अभी लगे हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पार्सल कर दूंगा। तो यहाँ पे लेमन तो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तो बहुत ही अच्छा है टेस्ट में, और आप खाने में और किसी भी चीज़ में जिसमें लेमन का यूज़ होता है अपने ड्रेसिंग्स में, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं लेमन का। बट यहाँ पर जो ऑरेंजेस होते हैं, संतरे होते हैं, वो देखने में ही अच्छे होते हैं, ऑर्नामेंटल टाइप के होते हैं, और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं। आप सोचोगे कि नींबू से भी ज़्यादा खट्टे होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि अपन संतरे को नींबू की जगह यूज़ कर लेंगे क्योंकि उसमें फ्लेवर होता है और वो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बट ये आप लेमन का पेड़ आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे लेमन्स हो रहे हैं, बांटने के बाद भी इतने सारे लेमन्स बचे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा लेमन है, मतलब मेरे नॉर्मल हैंड साइज़ के बराबर का लेमन है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया भी होगा, तो बहुत बड़े साइज़ का लेमन है और इतना ज़्यादा फल रहा है, तो अपने कलीग्स और नेबर्स में भी मैंने बांटा है, लेकिन उसके बाद भी इतना सारा लगा हुआ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ और दिखाता हूँ, मुझको काफ़ी अच्छा लगता है ये लेमन और संतरे का पेड़ देख के, तो आपको भी दिखा देता हूँ, एक फील गुड फैक्टर आएगा। ये आप देख सकते हैं संतरा है और इसके ऊपर लेमन है, तो आप देख सकते हैं ये साइज़ संतरे का और ये साइज़ लेमन का, इससे भी बड़े साइज़ का लेमन है, बट ये जस्ट बाजू का एडजस्टमेंट का जो आप दिखा रहा हूँ आपको, वो बस इसी साइज़ का है। और ये है संतरे का पेड़, तो ये ऑर्नामेंटल है संतरा, ये आप खा नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। एक वीडियो मैंने अपने बैकयार्ड की क्लीनिंग पे भी बनाया, मैं वो भी बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग लगा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।